हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है होली, तो आप सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएं। तो अभी क्या हो रहा है, कल से हम ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो परम की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। परम को कल क्या लगा बेटा, आपको कल क्या लगा? कल हमारे परम को इंजेक्शन लगा और मेरी भी काफ़ी टाइम से तबीयत सही नहीं है, कोल्ड हो रहा है। और आज का मैं सुबह से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रही थी, बट वही है, तबीयत की वजह से मैंने करा नहीं। तो सुबह का सारा काम हो चुका है, अभी मैं नहा धो के तैयार हुई हूँ और अभी टाइम हुआ है 1:00 और हमारे यहाँ का राजस्थान का मौसम बहुत ही अजीब हो रहा है। यहाँ पर बारिश आ रही है, आप तो अभी शाम को तो होलिका दहन होने वाला है और अभी बारिश आ रही है। और होली की शॉपिंग परम की हमारी हो चुकी है, ये परम युविका की उज्जैन से सब ने होली कलर वगैरह सब ले लिया है और लग भी नहीं रहा है का जैसे आज होली है। तो आज मैं बताती हूँ आपको हमारे राजस्थान का मौसम कैसा हो रहा है। अभी फिलहाल हम दोनों देख रहे हैं, परम क्या हो रहा है बेटा, क्या आ रहा है आज, होली है या बारिश आ रही है, क्या हो रहा है? परम हमारा सुस्त, आज कुछ बोल ही नहीं रहा। परम बोलो ना, परम बोलो, इधर देखो गिला हो जाए। तो दीदी को बोलो ऊपर आ जाओ, दीदी को बोलो दीदी ऊपर आ जाओ। बोलो ना, परम की तबीयत खराब है आज, परम को नई नई भी नहीं कर रही है, खाली मुंह ही फ्रेश करा है ना, क्या करे, होली है या बारिश आ रही है। परम बहुत, परम का मुंह का एक्सप्रेशन देखो क्या हो रहा है, परम को है ना, ऊपर बादल का मौसम आप देख सकते हैं, यहाँ का बिजली चमक रही है ना, व्यू आ रहा है ना अच्छे से, बिल्कुल बारिश में देखो वो गाय 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 भी गीली हो रही है ना, क्या हो रहा है वो देखो, मौसम देखो उधर, वो देखो दीदी का, दीदी क्या कर रही है गार्डन में, ओ बारिश हो रही है और यहाँ देख सकते हो बादल आ रहे, बिजली चमक रही है, ऐसा लग नहीं रहा है आज होली, क्या लग रहा है, मस्ती कर रही है युविका और ये सब गार्डन में। ऊपर आ जाओ जल्दी, चलो दूध गर्म कर लेते हैं, चलो वो देखो दोनों दीदियाँ मस्तियाँ कर रही है उनको, ऊपर आ जाओ बिजली चमक। आप देख सकते हो बारिश का मौसम, और शाम को तो होली का दहन करना है, कैसे इस हवा में होली जलेगी और क्या होगा, बड़ा ही अजीब मौसम हो रहा है आज। और मैंने तो अभी तक ऐसा मौसम कभी देखा नहीं, होली पे फर्स्ट टाइम ही ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, बादल आ रहे हैं, बारिश आ रही है और पहले से ही सब की तबीयत ऐसी ख़राब हो रही है इस मौसम में। देखो आज आ जाओ परात लेके आ जाओ, मैं देखने ऊपर कुछ छूटा तो नहीं, क्योंकि अभी पपड़ियाँ वगैरह बनाई थी तो कुछ रह तो नहीं गया, हम देखने आए छत पे, परम परात लेके आ जाओ, चलो परात लेके आ जाओ, देखो पीछे देखो बर्ड कितने उड़ रहे हैं वो देखो, है ना, बारिश आ रही है, ये भी अपने घर जा रहे हैं, आ जाओ। अब थोड़ी चाय बना लेते हैं, दूध गर्म कर लेते हैं बच्चे के लिए, मैं तो मॉर्निंग की चाय पीती हूँ, वैसे तो 3 पीती हूँ पर अभी थोड़ा जल्दी क्योंकि मौसम भी अच्छा ठंडा हो गया है और सर्दी भी लगी पड़ी है, क्या करें, कभी गर्मी कभी ठंड, कुछ अच्छी मौसम हो रहा है। बच्चे खेल रहे, परम भी शायद नीचे चला गया है अभी, परम की डैडी भी ऑफिस के लिए हैं अभी। तो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी माँ को ये बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, माता जी के दिन में जो हफ्ता का दिन होते हैं उसमें रखना चाहिए। और ये क्यों रखा जाता है इसका भी पूरा मैं रीज़न, एक कहानी होती है उसकी पूरी कहानी, में दशा माता की कहानी का अगर ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें सारा बताऊंगी ये क्यों नहीं रखना चाहिए। और ये परंपराएं तब से हैं, बहुत पुराने टाइम से हैं और हमारे राजस्थान कल्चर में तो बहुत ही माना जाता है, और शायद अभी न्यू जनरेशन माने नहीं माने बट मैं तो मानती हूँ और मैंने इसका रिजल्ट भी देखा है। और नेक्स्ट ईयर हमको चिकन पॉक्स हुआ था और बहुत ही डेंजरस होता है और इसका जो पेन होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है और बहुत ही मतलब बहुत मुश्किल से सही हुआ था हमें, तो मेरे को हुआ था सबसे पहले मेरे घर में, उसके बाद मेरे तीनों बच्चों को, पर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरा रहा था, मुझे 20-25 दिन तक लगा था उसको राही सही होने में और बहुत ही तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो उसका भी व्लॉग मैंने पूरा डिटेल में दिया है, अगर आपको चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके बाद आपको कैसे आपकी हेल्थ को आप सही कर सकते हैं, आपको क्या खाना खाना चाहिए, और जो पूरा जो डिटेल था वो मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग में, पुराने जो व्लॉग है उसमें मैंने दिया है, तो अगर आप चाहो तो आप उसको भी आप पूरी तरीके से अच्छे से जानकारी ले सकते हो मेरे ब्लॉग से।
थोड़े कपड़े धो ही लिए जाएं, क्योंकि अब क्या होगा, एक्चुअली अब 10 दिन तक मशीन नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारे जो माता जी के दिन होते हैं उसमें हम सिलाई मशीन और ये मशीन और कूटने का, काटने का, पीटने का ऐसा काम नहीं करते, माना जाता है, माता जी को लगता है। तो उस वजह से आज के बाद, मतलब जब तक पूजा नहीं होगी, हमारे जो ये त्यौहार नहीं मनेंगे, जब तक हम ये सारा काम नहीं करेंगे मशीन का, तो इसीलिए हम, और मैंने तो कपड़े धो रही हूँ, और मौसम ऐसा ठंडा हो गया, कोई बात नहीं, ड्राई करके सुखा देते हैं। पक्के कलर तो नहीं लाए? ये क्या है? अलग से हो गई शॉपिंग होली की? सबको बोल दो हैप्पी होली इन एडवांस, बोलो इन एडवांस। थोड़ा बहुत काम हो गया है, अब दिन के 3-4 बज रहे हैं, और मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ा ब्लॉग का करें, तो एक ब्लॉग बना रही हूँ, आप वीडियो में जरूर देखना, आपको ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में भी जरूर बताना। होली के बाद नेक्स्ट ब्लॉग आएगा साड़ी स्पेशल पीली की, बस मैं उसी का ही शूट कर रही हूँ अभी, जब भी टाइम मिलता है तो मैं शूट करने के लिए रेडी रहती हूँ। और आपका एक लाइक से चूड़ी गिर गई, आपका एक लाइक से और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को भी कामयाब कीजिए। और बहुत मुश्किल होता है 3 बच्चों के साथ ये सारा शूट करना और ये करना, और अभी युविका जैनसी तो वैसे खेलने गई और परम देख सकते आप सो रहा है, तो उस वजह से करूँगी, तो आप सोच रहे होंगे मेरे वीडियो शूट कौन करेगा, तो मेरा वीडियो शूट मेरे हस्बैंड करेंगे, अभी यहीं है, आज होली है, तो कुछ फ़ायदा हम भी ले लिए चाय उनसे। तो हमारा ब्लॉग रेडी हो गया है, उसका उसके बाद फ्री होकर बस खाने की तैयारी है, तो ये बन गई है गर्मा गर्म पूड़ी हमारी, और बस अब ये पकड़ी जो हमने बनी थी वो ये है, अब मैं आपको करके बताऊंगी ये किस तरीके से लग रही है, कितनी फुलती है, और इन दोनों में क्या डिफरेंट है, बहुत आज ज़्यादा कुछ ये है, मीठे भी बना रही है, मीठे बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं और कुछ पता नहीं चल रहा, हमारे यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है, अभी शाम के 6:30 बज रहे फिर भी बारिश हो रहे है, तो शाम को होली का दहन कैसे होगा, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, होली भी बिजली चमक रही है और कुछ अजीब भी मौसम हो रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा होली क्या है, हम अपना काम करते कंटिन्यू, भरोसा नहीं, बारिश है तो क्या पता लाइटें भी चली जाए बीच में, फिर बस खाने का काम चालू हो गया है मेरा। कुछ स्पेशल तली की बनी थी मिठाई इसकी गुड़ के साथ, तो ये बच्चे खाते तो भी इनको खांसी वगैरह नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा, बाकी अभी हर मिठाई से होता है, तो ये घर पे ही बनी थी। और ये जो कद्दू था हमारे घर के, उसको हमने आधी सब्जी बनी, इसको काट के सुखा दी, तो ये भी क्या सब्जी बन जाती है, ये बहुत लंबे टाइम स्टोक करके भी आप रख सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी लगती है। नॉर्मल कद्दू भी बच्चे नहीं खाते, बट मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे ये सब्जी, बाकी ये बच्चे नहीं खाएंगे। तो अभी अभी गांठिया वगैरह सब बनाने हैं, पपड़ी वगैरह का सारी तैयारी करनी है, वो नाइट को करूँगी। तो ज्ञान जी की मेहंदी लग रही है, किसकी लग रही है, होली की फीवर हो रहा है, थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं, ज़्यादा तो नहीं बनाएंगे, थोड़ी बहुत बना देते हैं ना, उधर वाली भी बनी युविका तेरी नहीं बनानी मेहंदी, युविका बोल रही मेरे तो नहीं बनानी है, मैंने एक छोटा सा फूल बनाया, बनाना है बनाना। आपकी क्या बनानी है हाथ पे? मेहंदी। मेहंदी, मेहंदी में क्या बनाना है? पहले मेहंदा। होली बनाना है, पिचकारी बनाना है? पिचकारी। अच्छा, तो परम लगवाएगा, और आपके कपड़े कहाँ गए, बीमार हो रहे हो? डायनासोर की कौन मेहंदी बनवाता है, क्या बनाना है, क्या बनू डायनासोर, मेरी पेंटिंग तो अच्छी है नहीं, डायनासोर तो मेरे को आता ही नहीं है, डेडी को आता बना, बनवा डेडी को बोल, डेडी बना दो डायनासोर, डेडी को आता। तो फाइनली मैंने मेरी मेहंदी बना दी है कुछ इस तरह कैसे जिससे बनी पाई मेहंदी, अब व्यूवी का बना रही है, हैप्पी होली कुछ दिख रही है, इसने मेहंदी बनवाई नहीं है, मैं कह रही हूँ एक हाथ मेरा भी बना दो, इसी बार मेरी भी सीख लीजिए,
ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं। और आज की होली हो गई है, हम होली का दहन में तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही हो और तबीयत भी इतनी सही नहीं है, बस खाना वाना खो गया है और बस मेहंदी बना के सो जाते हैं। सुबह मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ आपको दुलंडी में, तब तक गुड नाइट। ये बन गए हैं, बचपन में आप सबने खाए होंगे, कमेंट में जरूर बताना किस किस ने बचपन में ये खाए हैं। और ये रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं बाहर हमारे है, बारिश हो रही है। आज लग रहा है होली का दहन में हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बवल परम को पहले से फीवर हो रहा है और इसे में कहा होली जलेगी, क्या होगा, क्या रहेगा होली का डे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यांशी की मेहंदी लग रही है, किसकी लग रही है, होली की फीवर हो रहा है, थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं, ज्यादा तो नहीं बनाइए, थोड़ी बहुत बना देते हैं ना, उधर वाली भी बनाई। मेरा तो खाली युविका, तेरे नहीं बनानी मेहंदी? नहीं, युविका बोल रही मेरे तो नहीं बनानी है, मैंने एक छोटा सा फूल बनाया, बनाना है बनाना। आपकी क्या बनानी है हाथ पे? मेहंदी। मेहंदी, मेहंदी में क्या बनाना है? मेहंदी होली बनाना है, पिचकारी बनाना है, पिचकारी। अच्छा, परम लगवाएगा। और आपके कपड़े कहाँ गए, बीमार हो रहे हो? डायनासोर की कौन मेहंदी बनवाता है, क्या बनाना, क्या बनो डायनासोर? मेरी पेंटिंग तो अच्छी है ही नहीं, डायनासोर तो मेरे को आता ही नहीं है। डैडी को आता है, बना बनवा, डैडी को बोल डैडी बना दो डायनासोर। डैडी को आता हूँ, डैडी और परम क्या बनवा रहे, डायनासोर क्या बना बनो परम काट लेगा हाथ को, जल्दी काटता है डायनासोर, काट लिया तो और यार बहुत अच्छा बना है डायनासोर। टांगे कहाँ है इसकी? इसके दांत बनाने हैं अभी तो दांत भी, इसके दांत है, इसकी आईज और इसकी पूंछी थोड़ी टेढ़ी बन गई है। क्या बना रहे टेड्डी? डायनासोर के पैर है। ऐसे कौन बनाता है? अच्छा बनाया, मम्मा से तो अच्छे ही बनाए डायनासोर। डायनासोर का पेट टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, राउंड कर देता हूँ। फाइनली मैंने मेरी मेहंदी बना दी है, कुछ इस तरह कैसे जितनी बनी पाई मेहंदी। अब यूवी का बना रही है, हैप्पी होली कुछ दिख रही है, इसने मेहंदी बनवाई नहीं है, मैं कह रही हूँ एक हाथ मेरा भी बना दे, इसी बार मेरी भी सीख लीजिए। और ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं और आज की होली हो गई है, हम होली का दहन में तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही हो और तबीयत भी इतनी सही नहीं है, बस खाना वाना खो गया है और बस मेहंदी बना के सो जाते हैं। सुबह मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ आपको दुलंडी में, तब तक गुड नाइट।